नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। चलिए सबसे पहले कोरोना पे खबर। आत्मनिर्भर भारत, जैसा मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर, इसका सिंपल और सरल मतलब यही है कि हमें हमारी सारी जरूरत की चीजें हमारे देश में ही प्रोडक्शन करनी है। उस चीजों की सारी वस्तुएं जो हमारे डे टू डे इस्तेमाल में लगती हैं, सारी चीजें जो हम बाहर से खरीदते हैं, वो सारी चीजें हमें अपने देश में ही बनानी है। सारे लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने, ये मोदी जी कहना चाहते थे। और उनका एक और मतलब था कि हमें जो विदेशी वस्तुएं, विदेशी फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें का बहुत कम इस्तेमाल करने, स्पेशली चाइना के, ये कहना चाहते थे। और उन्होंने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का भी ब्यौरा दिया था, डिटेल में नहीं समझाया था। उसके अगले दिन डॉक्टर सीतारमन ने एक्सप्लेन किया था डिटेल में, तो खासकर किसी को कुछ नहीं समझा, बहुत जन को कुछ नहीं समझा, मुझे भी नहीं समझा था, तो मैंने पता लगाया और आपके लिए मैं ये वीडियो लाया। तो जैसा मोदी जी कहते थे 20 लाख करोड़, तो बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा कि 20 लाख करोड़ डिवाइड बाय 130 करोड़, जैसे कि 130 करोड़ की जनता है हमारी, तो हर उसके हिसाब से हर एक के खाते में अप्रॉक्स 15,000 से 16,000 आने चाहिए, ऐसा आप लोग सोच रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप भ्रम में जी रहे। तो उसके लिए मैं आपको बजट समझाने के लिए वीडियो लाया, आप जरूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं ये पेज पर। आप गूगल पे टाइप करेंगे रिसेंट निर्मला सीतारमण का जो अनाउंसमेंट है, MSMEs पैकेजेस वगैरह, अब तो आपको ये पेज मिल सकते हैं, आराम से मिल जाएगा, मैं आपको एंड में बता दूंगा। तो आप ये पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन है, तो हम एक के साथ एक पढ़ते चलेंगे और मैं आपको समझाता चलूँगा। तो पहला पढ़ते हैं, TDS और TCS rates cut by 25% for next year। ठीक है, तो आपको TDS का मतलब मैं बता देता हूँ, टैक्स रिडक्शन सोर्स, और TCS का मतलब है टैक्स कलेक्टेड सोर्स। तो ये हर चीज़ आप जो टैक्स देते हैं, सबकी सैलरी अलग अलग होती है, तो सब पे अलग अलग लगता है। तो वो जो इसका एक कुछ आपकी सैलरी का कुछ परसेंटेज कटता है, ये नॉर्मल टैक्स ही होता है, कुछ परसेंटेज कटता है, तो उसमें 25% कम कर दिया गया है अगले साल के। ठीक है, ये इसमें था। और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन वेडनेसडे अनाउंस 3 लाख करोड़ कंट्रोलर फ्री लोन स्कीम फॉर बिजनेस, स्पेशली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसे हम MSME बोलते हैं। MSME का मतलब ये है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, जो छोटे छोटे मोटे बिजनेस हो सकते हैं, तो उन्हें 3 लाख, उनके लिए 3 लाख करोड़ का फ्री लोन किया गया। मतलब अब जब जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, उसके बाद आपको जो छोटे मोटे बिजनेस हैं, मीडियम दर वाले में बिजनेसेस हैं, उनको 3 लाख तक का क्रेडिट मिल सकता है इजीली। ये बेनिफिट किया है, तो बहुत फ़ायदा है। और फिर जो वर्कर्स हैं उनको सैलरी पेड, और जो वर्कर्स हैं उनके PF में भी सुधार किया गया, जो उनके इनकम में से PF कटता था, जो एम्प्लॉय PF भरता था और जो एम्प्लॉयर PF भरता था, कंट्रीब्यूट करता था, उसमें भी 12 से डिडक्ट करके 10% कर दिया गया। और जो TDS है वो PF है, तो उसमें गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो जो NBFC है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जैसे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जैसे कि टाटा, रिलायंस, कॉन्ट्रैक्टर, जो बड़े बड़े रियल इस्टेट वाले हैं,
उन सब को भी फायदा यहाँ पहुँचाया गया। 20 लाख करोड़ का जो मोदी जी ने बात किया था उसमें से जो आपको 90 करोड़ रुपए दिए गए हैं जो अपना कंपनीज है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उन्हें 90 करोड़ रुपए दिए गए। तो आपका हो सकता है कि आपका लाइट का जो बिल है उसमें कुछ हो, मतलब आप सब घर पे हैं तो शायद आपका लाइट का बिल उतना ना आए जितना पहले आता था। और यहाँ पे जो गरीबों के लिए कल्याण योजना का आयोजन किया है प्रोटेस्ट के लिए, उसमें 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज में वो भी इन्वॉल्व है। और इससे जो अब वेनेसडे तक 5.94 लाख करोड़ इंक्लूडेड बोथ लिक्विडिटी फाइनेंस में, मतलब जो लिक्विडिटी है उसे बढ़ाने के लिए इंतज़ाम किया गया है। और अगर आप आगे चलेंगे तो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। और आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि मतलब जो टैक्स पेयर्स हैं और जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक रिलीफ किया है। उनकी जो डेडलाइन है 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है, मतलब नवंबर तक बढ़ा दी गई है। वो टैक्स नवंबर तक भर सकते हैं, 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई है। तो ये भी एक फ़ायदा है उन्हें। और जो अपना मजदूर जो वर्कर्स है, वर्कर्स के लिए भी पीएफ में 2500 करोड़ की मदद दी जाएगी। ये पेज आपको गूगल पे आप करंट निर्मला सीतारमन की स्पीच है उस पर करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए, और आगे की अपडेट के लिए आगे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप देखना चाहें तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद। I live inside my own world of make-believe. Kids